हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोको X3 और पोको X3 प्रो के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो है पोको X3 है, मेरे पास अभी भी आया है और मैं इसको खोल चुका हूँ। इसका मदरबोर्ड का कंडीशन दिखाऊंगा आपको, ऐसा हालत किया है ना तो आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये जो है पोको X3 का मदरबोर्ड है, इसमें कोई डबल टेकर आईसी नहीं आता है। अगर एक अच्छा खासा रिपेयरिंग जानता है, आईसी का काम करता है, आराम से इसको अगर एक बार सही से रिवॉल्विंग करे तो ये मोबाइल ऑन हो जाता है। जिसका मोबाइल है उसका मोबाइल ऑन था, एक व्यूअर ही कोरियर करके मेरे पास भेजा है, अभी अभी पहुंचा है। मैं सोचा इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो आपको बना के दे देता हूं, क्योंकि आप लोग बिना सोचे समझे किसी भी रिपेयरिंग शॉप में अगर मोबाइल लेके जाओगे तो यही हालत होगा। देखिए दोस्तों, इसका क्या क्या हुआ है। देखिए पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ, काम है इस सीपीयू आईसी का, लेकिन उसके साथ साथ ये वाला जगह भी उखाड़ा गया है। वो किस लिए उखाड़ा मुझे नहीं पता। दूसरा चीज है, इसका पावर आईसी में भी छेड़खानी किया गया है, क्योंकि ये सील रहता है। देखिए दोस्तों, पोको X3 में अगर आपका डेड हो चुका है, पोको X3 अभी मेरे पास एक आया है, देखिए ये जो है सील, ये अभी आया है, पोको X3 आया है, और ये पोको X3 साउंड प्रॉब्लम था, कैमरा प्रॉब्लम था, बाद में डेड हो गया है, तो ये तो बन जाएगा, मैं जानता हूँ। लेकिन अगर आप अपना मोबाइल को भी हमारे पास बनाना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं वीडियो में दे दूंगा, पहले अच्छा से देख लो। अगर आप नियर बाय किसी को रिपेयरिंग शॉप में लेके जाते हो, नियर बाय किसी भी रिपेयरिंग शॉप, क्या करते हैं उसमें, उसके बाद किया है इसमें सीपीयू आईसी के जगह में ईएमएमजी आईसी में भी हीट लगा के उसको भी निकाला है, उसको भी रिवॉल्विंग किया है। देखिए दोस्तों, अगर सीपीयू आईसी काम करते साथ ईएमएमसी में या तो ईओएफएस में अगर हीट लग जाए तो वो होता है, प्रॉब्लम होता है, तो उसको भी रिवॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें वो जो सीपीयू आईसी और ईएमएमसी आईसी है, यूएफएस है, दोनों को बैठाया दिया है, खाली ऊपर से बैठा दिया है, क्योंकि अंदर से पूरा गैप दिख रहा है आपको। मैं माइक्रोस्कोप होता तो दिखा था आपको, अंदर से पूरा गैप दिख रहा है, मतलब इसका जो आईसी है या तो इधर से स्वाइपिंग करके निकाल लिया है, या तो इसमें जो आईसी था वो खराब हो चुका है। जब जाके कस्टमर पहुंचा है कि भाई मेरा मोबाइल दे दो, तो दोनों आईसी खाली लेके ऊपर में चिपका दिया, गर्म करके थोड़ा चिपका दिया और उसको रिटर्न दे दिया है। तो दोस्तों, आप भी अगर अपना मोबाइल, चला हुआ मोबाइल किसी को दोगे और डेड करके आपको देगा तो कैसा लगेगा। तो दोस्तों, अगर सही रिपेयरिंग शॉप नहीं चुनोगे तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपका मोबाइल फ्रेश है, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, पोको X3 है, पोको X3 प्रो है, पोको X2 है, रेडमी नोट 10 है, सभी में सीपीयू आईसी का प्रॉब्लम आता है, तो आराम से आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट करके अपना मोबाइल को हमारे पास भेज सकते हो। मैं उड़ीसा से हूँ, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो, आराम से अपना मोबाइल को भेज के रिपेयर करा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।